हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम वंस अगेन इन कैंडल ऑफ नॉलेज। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सिंपल सेंटेंसेस की सीरीज की लास्ट वीडियो। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगा प्रैक्टिस, और इस प्रैक्टिस से आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने सिंपल सेंटेंसेस किस हद तक सीखे हैं। तो दोस्तों, इस सिंपल सेंटेंस की प्रैक्टिस एक्सरसाइज में मैंने आपको ये दो सेंटेंसेस लिखे हैं, और एक है अफर्मेटिव एंड दूसरा है नेगेटिव। तो दोस्तों, अफर्मेटिव नेगेटिव के अलावा भी हमारे पास एक सेंटेंस के बाकी पार्ट्स भी होते हैं, जिनको इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपके लिए अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस लेकर आया हूँ। तो बाकी के दो दो सेंटेंस आपने दो नहीं बल्कि तीन तीन, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस एक पार्ट्स में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, तो आपने बाकी तीन पार्ट्स आपने लिखने हैं। अगर यहाँ पर कोई अफर्मेटिव का सेंटेंस है तो आपने उसके तीन पार्ट्स बनाने हैं, नेगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव, ये तीन तीन पार्ट्स आपने बनाने हैं। तो फिर वो पार्ट्स को आपने प्रैक्टिस की करनी है, तो प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कितना कुछ सीखा है। दोस्तों, ये प्रैक्टिस करना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपके लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेकर आया हूँ, और इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं और शुरू करते हैं, और आपको बताते हैं कि सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है अकबर है स्टूल ब्रदर। दोस्तों, अकबर के दो भाई हैं। दोस्तों, अगर आपको याद आ रहा होगा कि his and have जिसका helping verb होता है जिस सेंटेंस में, वो सेंटेंस बिलोंग करता है सिंपल सेंटेंसेस में कैटेगरी नंबर टू प्रेजेंट की। तो दोस्तों, ये बात मैंने आपको बताई थी कि कैटेगरी नंबर टू प्रेजेंट में आप उसका पहचान उर्दू में कैसे करेंगे। तो दोस्तों, उर्दू का पहचान मैंने आपको बताया था कि भाई बहन हो, पास हो, मैं हो। तो अगर हम ये कहते हैं कि मैं है, पास है, भाई बहन है, ये हमारे पास क्या होते हैं, कैटेगरी नंबर टू प्रेजेंट की सेंटेंसेस होते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद हमारे पास सेंटेंस नंबर टू है। सेंटेंस नंबर टू में क्या कहते हैं, हैज कार, विल हैव पेट्रोल। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विल हैव आया है, विल हैव हमारे पास हेल्पिंग वर्ड है कैटेगरी नंबर टू फ्यूचर की। तो फ्यूचर में हमारे पास कैटेगरी नंबर टू का सेंटेंस विल हैव, मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब इसका विल हैव होगा। उर्दू में उसका पहचान हम क्या करेंगे, उर्दू में उसका पहचान होगा पास होगा, मैं होगा, भाई बहन होंगे वगैरह। तो दोस्तों, उर्दू में पहचान इसका ये होगा, और विल हैव जो है ये हमारे पास इसकी पहचान होते हैं इंग्लिश में, और इसको हम क्या कहते हैं, इसकी मीनिंग क्या है, इसकी गाड़ी में पेट्रोल होगा। दोस्तों, ये हमारे पास यहाँ पर हैज आया है, हैज हमारे पास है पोजेसिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। तो दोस्तों, पोजेसिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन, ये पोजेसिव प्रोनाउन के पार्ट्स क्या होते हैं, ये मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, हैज कार, विल हैव पेट्रोल, उसकी गाड़ी में पेट्रोल होगा। तो इसके बाद हमारे पास तीसरा सेंटेंस है, माय मोबाइल वाज ब्रोकन फ्रॉम द बैक, मेरा मोबाइल पीछे से टूटा हुआ था। तो दोस्तों, यहाँ पर आप वाज देख सकते हैं, वाज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है पास की कैटेगरी नंबर टू का, सॉरी पास की कैटेगरी नंबर वन का सेंटेंस हमारे पास ये होता है, मेरा मोबाइल पीछे से टूटा हुआ था। अगर ये हमारे पास यहाँ पर होता कि हमारे पास हेड, तो हेड हमारे पहचान होती कि ये हमारे पास कैटेगरी नंबर टू का सेंटेंस है पास्ट की। तो ये पास्ट की कैटेगरी नंबर वन है, तो मेरा मोबाइल पीछे से टूटा हुआ था। यहाँ पर कहते हैं कि मेरा मोबाइल पीछे से टूटा हुआ था, ये हमारे पास कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता है, पास्ट की कैटेगरी नंबर वन। तो ये पास्ट की हमारे पास कैटेगरी नंबर वन का सेंटेंस हुआ, और ये हमारे पास कौन सी कैटेगरी का था, फ्यूचर की कैटेगरी नंबर टू। तो दोस्तों, इसके बाद हमारे पास चौथा है, चौथा द गर्ल विल हैव द कार, यहाँ पर लिखा है द गर्ल विल हैव द कार, लड़की के पास गाड़ी होगी। तो दोस्तों, इस सेंटेंस में आप इसका हेल्पिंग वर्ब देख सकते हैं विल हैव है। विल हैव हमारे पास, मैंने आपको यहाँ पर भी बताया कि विल हैव हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है फ्यूचर की कैटेगरी नंबर टू का, फ्यूचर की कैटेगरी नंबर टू का ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है जिसका उर्दू में पहचान होता है पास होगा, मैं होगा, भाई बहन होंगे। तो इस तरह के सेंटेंस हमारे पास कहलाते हैं फ्यूचर की कैटेगरी नंबर टू।
इसके बाद हमारे पास पांचवा सेंटेंस है। पांचवा सेंटेंस में क्या कहते हैं, दिस क्लास हैड सम जूस। देखो दोस्तों यहाँ पर हेड आया है, तो हेड से हमें क्या पहचान मिलती है, हेड से हमें ये हम ये पहचान सकते हैं कि सेंटेंस हमारे पास कौन सी कैटेगरी का है। सेंटेंस हमारे पास पास्ट की कैटेगरी नंबर टू का सेंटेंस है, तो इसको इंग्लिश में हम इस हेल्पिंग वर्ब के थ्रू हम इसको पहचान सकते हैं। जूस को हम उर्दू में भी जूस कहते हैं और इंग्लिश में भी इसको जूस कहते हैं। अगर हम इसको उर्दू में दूसरा नाम भी ले सकते हैं लेते हैं तो वो होता है रस। तो दोस्तों रस भी कहते हैं। और ये हमारे पास था पांचवा सेंटेंस। इसके बाद हमारे पास सेंटेंस आता है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में हमारे पास सबसे पहले सेंटेंस है माय डैड डज नॉट हैव मोबाइल। मेरे डैड मेरे अब्बू के पास मोबाइल नहीं, क्या कहते हैं, नहीं है। तो ये दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे अब्बू के पास मोबाइल नहीं है। यहाँ पर आया है पास और यहाँ है। तो ये हमें क्या याद दिलाता है, ये हमें याद दिलाता है कि हमारे पास प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर टू का सेंटेंस है। प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर टू में मैंने आपको बताया था कि जिसका हेल्पिंग वर्ब उर्दू में पास होगा मे होगा। पास है, मे है, भाई बहन है। तो ये हमारे पास प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर टू का सेंटेंस होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंटेंस नेगेटिव है लेकिन फिर भी सेंटेंस हमारे पास कैसे बना है, डज नॉट हैव, ये इसका हेल्पिंग वर्ड है नेगेटिव में। इसके बाद हमारे पास दूसरा सेंटेंस आप देख सकते हैं आमिर डिड नॉट हैव हैंड्स ऑन बाइक। यहाँ पर दोस्तों है यहाँ पर हैव, यहाँ पर डिड। तो डिड हैव का मतलब तो मैंने माँ आपको बताया था पिछली वीडियोज में क्या रखना होता है। यहाँ पर इसका यहाँ पर ये डिड आया है, तो डिड से हमें ये पहचान मिलती है कि सेंटेंस हमारे पास पास्ट कैटेगरी नंबर टू का सेंटेंस है। तो पास्ट कैटेगरी नंबर टू में मैंने आपको बताया था कि उर्दू में उसका पहचान होता है पास्ट था, मैं था, भाई बहन थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पास्ट था, देखिए आप यहाँ पर पास्ट था यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये हमारे पास होते हैं पास्ट की कैटेगरी नंबर टू का। तो दोस्तों कैटेगरी नंबर टू पास्ट में मैंने आपको बताया था कि जिसका उर्दू में पहचान पास्ट था, मैं था, भाई बहन थे, तो ये इसका पहचान होता है। तीसरा नंबर सेंटेंस नेगेटिव का क्या कहता है, शी विल बी एन यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी में होगी। तो दोस्तों ये सेंटेंस आप देख सकते हैं कि ये नेगेटिव नहीं बल्कि ये हमारे पास कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव। तो ये मैंने आपको यहाँ पर ये बताया कि सेंटेंस अगर हम इस तरह बनाएंगे तो इसमें अगर हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर हम टू लगाना है, मिस्टेक मुझसे तो ये बार होंगे। तो मैं ये बात मैं आपको एक दफा फिर निशानदेही करना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ पर सेंटेंस अफर्मेटिव बनाया। और इसके बाद मैं आपको ये बता दूँ कि इस सेंटेंस में आपने टू बी के बाद नहीं लगाना है, यहाँ पर आपको नहीं लगाना है, बल्कि यहाँ पर आपने यहाँ पर नॉट लगाना है। तो अगर आप इसको नेगेटिव बनाएंगे तो वेल के बाद आप नॉट लगाएंगे, इसके बाद आपने एन यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी में नहीं होगी। तो ये इसके उर्दू मीनिंग होते हैं। अब इसके बाद द रूम हैड थ्री हैंडल्स। दोस्तों यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती कहते हैं कि जो नॉट है ये थ्री के बाद लगा देते हैं, ये भी गलत है। तो इसलिए यहाँ पर आपने ये नॉट जो है यहाँ पर नहीं लगाना है। और नॉट हमारे पास यहाँ इसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। ये बात आप हमेशा याद रखिए कि नॉट अगर हम कोई सेंटेंस नेगेटिव बनाएंगे तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो पहला हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद हम नॉट लगाएंगे। इसी तरह अगर आप देखें तो सेंटेंसेस में आपको फ्यूचर मतलब फ्यूचर के सेंटेंस जो परफेक्ट कंटिन्यूस होते हैं, पास्ट के जो परफेक्ट कंटिन्यूस होते हैं, जो इसी तरह हमारे पास और भी प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस होते हैं उसमें हमारे पास तीन तीन हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। अगर तीन नहीं तो दो तो लाजमी होते हैं। तो दो में से आपने किसी के बाद नॉट लगाने हैं। अगर आप उसको नेगेटिव बनाएंगे तो वो पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट लगाने, ये बात आपने नोट करनी है। तो दोस्तों इसके बाद इसका मीनिंग क्या होता है, द रूम हैड थ्री विंडोज, कमरे के तीन रोशनदान थे। तो दोस्तों अगर यहाँ पर उर्दू में हम देखें तो यहाँ पर थे आए हैं और कमरे में आया है। तो में और थे से हमें क्या इशारा मिलता है, यहाँ से हमें इशारा मिलता है कि ये पास्ट की कैटेगरी नंबर टू का सेंटेंस है।
तो फर्स्ट की कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस हमारे पास इंग्लिश में उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेड, जो हमें हेल्प देता है, जो हमें पहचान देता है कि ये सेंटेंस कौन सी कैटेगरी और कौन सी टेंस से बिलोंग रखता है। तो दोस्तों इसके बाद हमारे पास बचता है लास्ट सेंटेंस। लास्ट सेंटेंस में हमारे पास क्या है, यहाँ पर है जहांजीर, जहांजीर विल हैव कार आफ्टर 2 ईयर्स, जहांजीर के पास 2 साल के बाद गाड़ी होगी या 2 साल के बाद जहांजीर के पास गाड़ी होगी होंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पास गाड़ी होगी, तो यहाँ पर ये होगी है। तो दोस्तों ये बात मैंने आपको बताना चाहता था कि ये होंगी और ये होंगी, ये होगा, ये आपने किस किस लगाए हैं पीछे वीडियो में, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो आप वहाँ से भी इसको सीख सकते हैं। तो यहाँ पर झांसी के पास गाड़ी होगी, तो यहाँ पर ये सवाल जो है ये फ्यूचर की कैटेगरी नंबर सेंटेंस जो है हमारे पास फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस है। फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि जिसका इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब होगा विल हैव, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस। तो दोस्तों इसी तरह आप देख सकते हैं कि बाकी सेंटेंसेस के बारे में मैंने आपको बताया, ये हमारे पास विल भी यहाँ पर आया है, विल नॉट भी यहाँ पर हमारे पास आ सकता है, अगर ये यहाँ पर शी विल नॉट बी इन यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी में नहीं होगी, तो ये हमारे पास सेंटेंस कहलाएगा फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 1 का सेंटेंस। तो दोस्तों सारा सब जितनी जो सेंटेंस मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर अवेलेबल थी वो सारे के सारे मैंने आपके लिए एक बार रिवाइज की, और आप इसको देख सकते हैं और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों अब इसके बाद मैंने आपको सारे का सारा सिंपल सेंटेंस जितने भी थे मैंने एक एक वीडियोज आपके लिए अपलोड की कि आप इसको सीख सकें और इसके प्रैक्टिस करें और इसको अपने जहन में शी करें ताकि पेपर में आपसे कोई मिस्टेक ना हो। तो दोस्तों आज के लिए हमारे पास बस आपके यही था, तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अपना भी ख्याल रखें, अपने दोस्तों का भी ख्याल रखें और अपने वालदैन का भी ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।